सर मेरा नाम सुहार सिंह है, मैं रेणुकूट सोनभद्र से हूँ। मेरी सिस्टर का नाम सीमा देवी है और हमारे सिस्टर का इलाज डॉक्टर कमलेश कुमार सिंह न्यूरो के सर्जन इलाज कर रहे हैं। और मेरी दीदी का इतना बुरा कंडीशन था, 3 साल से ना हाथ ना पैर, मतलब गर्दन के नीचे की कोई भी बॉडी काम नहीं करती थी। और मैंने बहुत जगह उसका इलाज कराया लेकिन कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। और मुझे तो पहले से पता है, मैं 2012 से आ रहा हूँ और मुझे इस अस्पताल के बारे में काफ़ी जानकारी है। अपनी बहन को लेकर आया हूँ, मेरी बहन का ऑपरेशन हुआ और जब से ऑपरेशन हुआ उसके दूसरे दिन से शरीर की सारी बॉडी काम करना चालू कर दी है और स्वस्थ भी है, निरोग भी है। और पहली बार जब मैं सन 2012 में रेणुकूट से अपनी माँ को लेकर आया था, मेरी माँ कोमा में थी, मैं पहले बेचू ले गया, बेचू ने भी वो रिफ़र कर दिया, एपेक्स ले गए, एपेक्स से भी वहाँ से रिटर्न आना पड़ा, पांडेपुर ले गए, पांडेपुर से भी जो मुझे भागना पड़ा। फिर रास्ते में एक ऑटो वाले ने इस अस्पताल के बारे में बताया, फिर मैंने यहाँ अपनी माँ को लेके आया और मेरी माँ यहाँ से स्वस्थ होके गई। और सन 2012 से मैं आ रहा हूँ, हमेशा खुशहाल होके जाता हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है यहाँ कि 24 घंटे में 24 बार डॉक्टर आते हैं मरीज को देखने। और यहाँ की साफ़ सफाई, यहाँ का अगर कोई छोटी मोटी कंप्लेन हो तो तुरंत उस पर एक्शन भी लिया जाता है। यहाँ का भोजन मरीजों के लिए, नाश्ता पानी चाय सारी व्यवस्था अच्छी है। और मैं अपनी माँ को फिलहाल 2020 में भी लेकर आया था, एक ऑपरेशन और उनका था, उस बार भी मैं यहाँ से सक्सेस हो कर गया हूँ। और इस अस्पताल के बारे में जहाँ तक मेरे रेणुकूट से जितने लोग जानते हैं मेरे बारे में, काफ़ी लोग यहाँ आते हैं। अभी फ़िलहाल 2 दिन पहले भी 2-3 आदमी आए थे रेणुकूट से। और फिर यहाँ अस्पताल के बारे में यहाँ तक जानकारी कि यहाँ आपका झारखंड नगर उटारी, वहाँ तक इस अस्पताल के बारे में मैंने चर्चा किया है। और जितने लोग आए हैं मुझसे रेणुकूट से मिलते हुए अपने घर जाते हैं, वो लोग भी बहुत तारीफ़ करते हैं इस अस्पताल की। और यहाँ के जो डॉक्टर चेयरमैन कौशिक सर हैं, वो खुद आते हैं, मरीजों से मिलते हैं, मरीजों का हालचाल पूछते हैं, बढ़िया से उनकी बातचीत होती है मरीजों से। और मैं काफ़ी खुशहाल हूँ। और जब भी मैं कहीं नहीं जाता, बनारस में बहुत बड़े बड़े अस्पताल हैं लेकिन मुझे इस अस्पताल पर इतना भरोसा है कि अभी भी फ़िलहाल मेरी दीदी के लिए बहुत सारे जगह लोग बताए कि दुर्गा कुंड जाइए, यहाँ जाइए, वहाँ जाइए। लेकिन मैं जिस दिन से आया हूँ, दूसरे दिन मंडे को आया था मैं, मंगलवार को ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के ठीक दूसरे दिन बाद और खुद से अपना हाथ पैर हिलाना चालू किए मेरी बहन। और आज कभी मैं बैठती थी, आज से 3 से 4 घंटा अपने कमर के बल वो बैठती है, उठ के खड़ी भी हो रही है, हाथ वाथ भी उसका सर के पास जाता है, पहले पीछे हाथ नहीं जाता था सिर्फ गर्दन के अलावा। मैं बहुत खुशहाल हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।